अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का तेलंगाना स्टार चैनल में इस्तकबाल है। एटीएम सेंटर्स में ध्यान भटका कर जुर्म का इर्तिकाब करने वाले दो शातिर मुलजिमान की पुलिस ने गिरफ्तारी अमल में लाई। आसिफ नगर पुलिस ने हैदराबाद सिटी पुलिस के एहलकारों के साथ मिलकर नियाज मोहम्मद और नईम उलवी नामी दो शातिर मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। ये दोनों मुलजिमीन ने हुमायूं नगर, आसिफ नगर, कुलसुमपुरा, मादनापेट और दिगर कई सारे पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे इख्तियार में इसी तरह की माइंड डाइवर्टिंग के जरिए कई सारे सरखे की वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से तकरीबन 149 एटीएम कार्ड्स और 1,94,800 रुपये की नकद रकम, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन्स को भी जब्त कर लिया है। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात तेलंगाना स्टार चैनल के साथ। गुड इवनिंग। कल रात में 11 बजे मेरा चौरसे पे व्हीकल चेकिंग के दौरान क्राइम इंस्पेक्टर नागेश रेड्डी साहब के सदारत में उनके स्टाफ दो लोगों को कस्टडी में लिए। वो दो लोगों का नाम बोल सो नियाज मोहम्मद और नईम अलवी है। ये दोनों अपाची व्हीकल पे जा रहे थे, उनको भी चेक करने पे उनके पास से थोड़े एटीएम कार्ड्स बरामद हुए और फर्दर पीएस को लाने के इंट्रोडक्शन करने पे ये पता चला कि ये लोग जुमला सिटी पुलिस के 10 केसों में इन्वॉल्व है। ये 10 केसों में से आसिफ नगर के 5 केस, हुमायूं नगर के 2 केस, कुलसुमपुरा के 1 केस, मादनापेट कंचनबाग का 1-1 केस। डाइवर्टिंग अटेंशन गैंग है ये दोनों का। ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोग एटीएम मशीन के पास जाकर ठहरते, जहाँ पर भी इलिटरेट या तो ओल्ड बुजुर्ग लोग आते ड्रॉ करने के लिए, उनकी मदद करने के तहत तो वो लोग अंदर जाके उनसे कार्ड लेकर, पिन नंबर ले लेकर, मशीन में से पैसे नहीं आए बोलकर फिर पुराना एटीएम कार्ड उनके हाथ में पकड़ा देके वो लोग वहाँ से गायब होकर दूसरे मशीन से ड्रॉ करते पैसे, या ना तो कोई इमीडिएटली कोई पेट्रोल पंप पे या कोई शॉप पे जाके वहाँ पे स्वैप करते, स्वैप करके 2% कमीशन देके पैसे उठा लेते वहाँ से। तो इसी तरह पे 4 लाख के ऊपर पैसे ये लोग गबन किए हैं, उसमें से आज 1,94,000 रुपीज़ बरामद हुए हैं इनके पास से और टोटल 149 एटीएम कार्ड्स और एक अपाची गाड़ी बरामद हुई। और ये लोग हैं और यहाँ पर हैदराबाद में ऑलमोस्ट 2 महीने से ऑपरेट किए थे और ये नामपली के एरिया में छोटे मोटे लॉज में उतरते हैं, काम करके चले जाते हैं। तो तहकीकात जारी है। 2 महीने के दौरान के केसेस है, केस वेस्टर्न के हैं, 2 केस साउथर्न के। क्या है वो तो बुजुर्ग लोग या एलिटेड लोगों को टारगेट करते हैं ये लोग। इनके पास पासवर्ड तो मैं हूँ, अगर मेरे को ड्रॉ करने नहीं आता मशीन में से, मेरा कार्ड डालता हूँ तो मेरे को मदद करने के दौरान आते हैं वो लोग, आके मेरे से कार्ड लेके मैं ड्रॉ करता हूँ बोल के पिन नंबर लेते मेरे से। अच्छा। मैं पिन नंबर देने पे कार्ड डाले से करते, पैसे नहीं आ रहे बोल के दूसरा कार्ड वापस कर देते, पिन नंबर रख लेके दोबारा मशीन में जाके इस्तेमाल कर लेते हैं। पब्लिक के लिए मशीन अपील ये है कि बेसिकली ये लोग अपना मशीन, अपना कार्ड अपने ही रखना, अपना पिन नंबर किसी शेयर नहीं करना और किसी को हैंडल नहीं करना जाना। अगर हैंडल करने नहीं आता तो अपने कोई रिश्तेदार को, अपने बच्चे को लेके जाना, ऑपरेट करना। अभी तो फिलहाल 2 ही जने हैं आप इन्वेस्टिगेशन में, लेबर क्लास है, यूपी में रहते हैं ये लोग, स्टूडेंट्स हैं, ये लोग यूपी में रहते हैं। और बोलो ये लोग टैक्सी ड्राइवर्स है, लोग ड्राइवर्स है, दोनों भी मामूली नौकरी करते हैं, काम करते हैं दोनों भी। स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपसे राब्ता कलाम करते रहें ये खबरें लेकर।